वालेकुम स्टूडेंट्स ओके आप लोगों में से काफी बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स करके भेजी थी तो उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन भी अपलोड किया था ताकि आप लोग इसको कंपेयर कर सकें आपके जो आपने जो असाइनमेंट की है उसको सॉल्यूशन के साथ ठीक है तो उम्मीद है कि आपने उसको कर लिया होगा कंपेरिजन करके ठीक है अब देखें आज हम आगे फर्दर चलेंगे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे अच्छा यहाँ तक ना एक जो कुछ एंट्रीज थी जिसमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा था प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स पह, सबसे पहले तो वो जो आपकी रॉन्ग एंट्रीज थी उनके बारे में आप पूछ लें ताकि मैं आपको बता दूँ ताकि इजी हो के हम फिर अगला नेक्स्ट उस पर चले जाएँ टॉपिक पे चले जाएँ ठीक है जो हमने ट्रांजेक्शन ये वाली की थी थ्री एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 की थी तो आपके इसमें से रिलेटेड जो रॉन्ग एंट्रीज हैं जिनमें एम्बिग्य हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर लें असाइनमेंट इशफाक मुझे बच्चों ने उसमें भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में फिर मैंने ये सोलूशन ऐड किया था यहाँ पर गूगल क्लास रूम में तो फिर बच्चों ने उसको कंपेयर कर लिया था अगर यहाँ तक कोई आप लोगों को एम्बेगिटीज हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लें डिस्कस कर लें पहले ठीक है फिर मैं आगे फिर प्रोसीड करता हूँ शफीक साहब देखें वॉइस सही है क्लियर है क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे अच्छा कुछ बच्चे हैं एक बच्चा है वो कह रहा था तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं तो वो आप अपना रिजॉइन कर लें बच्चे अपना नेट चेक कर लें या कर लें लें या हो जाएगा हो। हाँ जी बाकी इधर ठीक है सब कुछ ना सही है आवाज आ रही है सही थैंक यू सर Uh, मियाँ स्तार आप उस्मान स्तार आप मुझे उसमें ऐड uh, अप uh, मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ ठीक है तो आपने मुझे ईमेल नहीं की होगी मुझे ईमेल कर दें मैंने ईमेल एड्रेस दिया था अभी भी स्क्रीन पे शो हो रहा है लिखा हुआ ठीक है तो आप मुझे इस पर ई कर दें अच्छा थ्री पॉइंट थ्री की ट्रांजेक्शन नंबर नाइन अच्छा इसमें यह है कि मोहम्मद हिजबार गिल इसमें ना आप डेट uh, है नाइन वाली वो देखें उसमें देखें उसमें क्या लिखा हुआ उसमें ट्रांजेक्शन ये थी कि रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइड्स टू हंड्रेड ठीक है आपने गुड्स रिटर्न किए हैं इसका मतलब है कि ये परचेजेज so, रिटर्न है वो आपकी क्रेडिट होंगी ठीक है और डब्ल्यू हाइड जो है जिसको आपने जिस सप्लायर को वापस किए है इसको आप डेबिट कर देंगे ये आपका पेबल्स था ये रिड्यूस हो जाएगा देन इसमें सेकेंड दूसरी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन थर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर ये सेम डेट को है टू थाउजेंड फोर 9th अक्टूबर की ये डेट है आपने क्रेडिट सेल्स की है ब्राउन को तो आप क्या करेंगे इसकी जर्नल एंट्री होगी ब्राउन अकाउंट डेबिट बिकॉज ये रिसीवेबल बन जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये आपकी इनकम है ठीक है हमजा सईद सेल्स होती हैं कि जो गुड्स आप कस्टमर को सेल करते हैं ठीक है आपने परचेज की होती हैं उनका पर्पस ये होता है कि आप उन्हें सेल करेंगे और आप उस पे प्रॉफिट जनरेट करेंगे ठीक है जब आप उन्हें सेल करते हैं तो उनको आप सेल्स कहते हैं जैनब मैंने ऐड की आप मुझे दोबारा ईमेल कर दें मैं आपको ऐड कर देता हूं जमर एम सी क्यूज आएंगे ठीक है एम सी क्यूज आएंगे इससे अच्छा थ्री पॉइंट थ्री में जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो आ, आप देखें थ्री पॉइंट थ्री में फिफ्थ ट्रांजेक्शन देख लें इसमें देखें कहता है बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी हॉपर हाफ डॉलर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है आपने मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी एक नॉन करंट एसेट है जब आप इसे रिसीव करेंगे आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे आप मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड जी हॉपर से आपने क्रेडिट पे परचेज की है उसको कैश नहीं पे कर रहे तो जी हॉपर आपका पेबल इंक्रीज होगा ठीक है तो जी हॉपर तो के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे उसके बाद आपके पास आ जाता है इसी एंट्री में आगे उसने दे कैश सेल्स ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर ठीक है कैश सेल्स मीन के यू हैव रिसीव कैश एंड यू सोल्ड द गुड्स ठीक है कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज होगा वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी ठीक है मुजना खान कोई ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है गूगल क्लास रूम है आप उसमें ही मुझे ईमेल करेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा जिन लोगों की ईमेल मुझे मिल गई थी मैंने उन्हें ऐड कर लिया है अगर किसी ने रात को ईमेल की है तो उसको मैं ऐड कर लूंगा फर्दर अली रजा आप मुझे आ, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ <coughs> अच्छा दानियाल आपकी थ्री पॉइंट फोर की लास्ट ट्रांजेक्शन दानियाल पूछ रहे हैं तो ये देख लें, इसकी थ्री पॉइंट फोर की लास्ट ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन है थ्री पॉइंट फोर की गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज ठीक है अब यहाँ देखें गुड्स टेकन अवे का मतलब है कि दीज आर ड्रॉइंग्स ठीक है बिकॉज द गुड्स आर टेकन अवे बाई पर्सनल यूज ठीक है जब गुड्स जा रही हैं जब हम गुड्स करते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं purchases में ठीक है तो ड्राइंग्स ड्राइंग्स जब होती हैं का मतलब है डिक्रीज इन कैपिटल लेकिन डिक्रीज इन कैपिटल को कैपिटल डेबिट करने के बजाय हम क्या करते हैं डेबिट हम करते हैं ड्राइंग्स ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी ड्राइंग्स डेबिट होंगी तो हमारे पास ये फोर की हो जाएंगी क्रेडिट में अब वो ऑनर जो है वो लेके जा रहा है गुड्स ठीक है वो क्या लेके जा रहा है गुड्स तो गुड्स डिक्रीज हो रही है तो गुड्स को हमने रिकॉर्ड किया होता है परचेजेज में जब हम परचेजेस करते हैं ठीक है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया होता है परचेजेज में जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस डेबिट होती हैं तो इसलिए हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ठीक है ताकि वो वहां से परचेजेज रिड्यूस हो जाए क्योंकि अब वो बिजनेस परचेजेस जो होती हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है लेकिन जब वो ऑनर यूज कर लेते तो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं रहता ठीक है दैट्स वाई आप उसको परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ठीक है आमान आपकी फर्स्ट क्लास है आप पुरानी क्लासेस भी पहले सारी थोड़ी रिकॉर्डिंग सुन लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए आप आज की क्लासेस भी पढ़ लें <coughs> जन्मदा आपका क्वेश्चन है कि अगर ऑनर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी जो है ना लाइबिलिटी वो आ, अपने बैंक अकाउंट में से ना लाइबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस अच्छा if an owner pays the liability of his business from his bank account theek hai owner apne account mein se bank account mein se agar business ki liability pay karta hai to pehli to cheez ye hai ki wo business mein investment kar raha hai theek hai तो जब भी owner business में investment करता है तो capital increase होता है तो capital credit हो जाएगा ठीक है Capital क्या हो जाएगा Credit हो जाएगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा उसकी रीजन ये है कि ऑनर अपने अकाउंट में से पैसे दे रहा है बिजनेस के अकाउंट में से पैसे नहीं दे रहा ठीक है, है तो लाइबिलिटी अकाउंट जो लाइबिलिटी पे होगी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी पेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा ठीक है पेबल्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कैपिटल अकाउंट जन्नत सलीम ये आपका क्वेश्चन था अच्छा जमशेद क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन ट्वेंटी थ्री ये डेट ट्वेंटी थ्री ठीक है अब देखें जो ट्रांजेक्शन हमारे पास यहां पर है जो क्वेश्चन है थ्री पॉइंट थ्री उसकी ट्रांजेक्शन ट्वेंटी थ्री उसमें देखें क्या लिखा हुआ है कहता है कैश पेड टू ठीक है। आप देखें ये रिलेट कर रही है आपके पास 14 से ठीक है। R. Peter से आपने कुछ गुड्स परचेज की थी ठीक है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पीटर ठीक है तो आपने उसको थर्टीन हंड्रेड आपने उससे पे uh, करना था वो अभी तक अब आपने पेमेंट की है तो जब आप पे करेंगे देखें जब आपने कैश पे कर देनी है तो कैश आपकी क्रेडिट हो जाएगी बिजनेस की कैश क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि एसेट रिड्यूस हो जाएगा कितने से थर्टीन हंड्रेड से ठीक है और आर पीटर आपकी लाइबिलिटी थी आपने उससे गुड्स क्रेडिट पे परचेज की थी तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी आपके आर पीटर डेबिट हो जाएगा ये आपका पेबल्स है ठीक है ये क्या है पेबल्स है पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं जब पेबल डिक्रीज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा ठीक है उसके बाद जमशेद का क्वेश्चन हो गया साथ मुस्तफ़ा दोबारा इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोबारा ऑनर जो पैसा इन्वेस्ट कर देगा अगर बिजनेस से वो प्रॉफिट निकालते ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बिजनेस के अंदर ही रहता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है ठीक है वो भी हम जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका क्लियर हो जाएगा ठीक है फैजान आपने ट्वेंटी एट लिखा है थ्री पॉइंट थ्री का ट्वेंटी एट ट्रांजेक्शन <coughs> ठीक है अब इसमें देखें 28 एट ट्रांजेक्शन में बॉट गुड्स हैं आप क्या कर रहे हैं आपने चीजें परचेज की हैं फ्रॉम डब्ल्यू हाइंड आप 3400 डॉलर्स आउट ऑफ विच वन फोर्टीन हंड्रेड एज बीन पेड इन कैश आपने उसमें से 1400 जो है वो कैश में पे कर दिए हैं तो रिमेनिंग 3400 की गुड्स परचेज की हैं जिसमें से आपने 1400 कैश दे दिया रिमेनिंग आपका अभी पेएबल है ठीक है आप इसकी बेशक दो एंट्रीज कर लें दो, दो एंट्रीज कैसे होंगी कि आपके पास जो डेबिट है परचेजेस डेबिट कर लें आप 1400 से जो कैश में किए और क्रेडिट कर दें आप कैश ये आप फर्स्ट एंट्री इसकी कर सकते हैं सेकेंड एंट्री इसकी आपकी हो जाएगी कि आपके पास क्योंकि 3400 की गुड्स परचेज किए हैं 1400 कैश में दे दिया रिमेनिंग 2000 थाउजेंड पेबल है तो आप इसकी सेकंड जो ट्रांजैक्शन है सेकंड एंट्री है वो ये करेंगे कि आपके पास परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगी ठीक है बाय 2000 ये आपने क्रेडिट पे लिए हैं जिससे क्रेडिट पे लिए डब्ल्यू हाइड्स से, तो ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी इसको क्रेडिट कर देंगे डब्ल्यू हाइंड ठीक है ये आपका पेबल्स हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं जब इंक पेबल्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं ठीक है अच्छा फैजान खोख करो ये आपका क्वेश्चन था ये आंसर आपको मैंने दे दिया जहाँजेब आपने पता नहीं कौन सी ट्रांजेक्शन पूछी है थ्री पॉइंट थ्री की ट्रांजेक्शन आपने कोई नंबर नहीं लिखा ठीक है ओके वेरी गुड अगर आपकी सब को हैं तो वेरी गुड uh, जहाजेब ट्रांजेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर आई ऑलरेडी टोल्ड अभी बताई है ट्रांजेक्शन नंबर ट्वेंटी एट uh, को, को जो ट्रांजेक्शन हो रही है थ्री में इसहाक हुसैन ट्रांजेक्शन नंबर अक्टूबर ट्वेंटी थ्री ठीक है अक्टूबर ट्वेंटी थर्ड की ट्रांजैक्शन अभी मैंने बताई है वाली इश्वाक, इश्वाक अभी मैंने करवा दी ये ट्रांजैक्शन भी फरदीन व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं है दोबारा आप हर दफा पूछते हैं मैंने आपको कहा गूगल क्लासरूम है उसमें ही आपको ऐड किया हाँ जी हमारे यहाँ से दो ट्रांजैक्शन है थ्री पॉइंट थ्री की तो ट्रांजैक्शन नंबर फाइव है फा ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है देखें ये डेट लिखी हुई है टू थाउजेंड फोर यर लिखा हुआ है टू जीरो एक्स फोर ठीक है और नीचे अक्टूबर लिखा हुआ है अक्टूबर का मंथ है और फिफ्थ अक्टूबर को ट्रांजेक्शन जो हुई है वो दो हुई है एक तो मशीनरी परचेज की है क्रेडिट पे और दूसरे नंबर पर सेल की है कैश में ये एक डे की दो ट्रांजेक्शन है याशिल जो आपने क्वेश्चन किया याशिल खान जो क्वेश्चन नंबर 3.3 में अक्टूबर ट्वेंटी वाली ट्रांजैक्शन है ये देखें इसको समझ लें ट्रांजैक्शन ट्वेंटी वाली अब इसमें देखें ट्रांजैक्शन नंबर उसने कहा गुड्स सोल्ड गुड सोल्ड टू जे ब्राउन फॉर थर्टी फोर हंड्रेड तो सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि यह आपकी सेल्स हैं ठीक है इसमें क्या है सिंपल आपकी ये सेल्स हैं तो आप सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे आपकी सेल्स इनकम होती है वो इंक्रीज हो रही है सेल्स क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में आप क्या करेंगे जिसको आपने सेल्स किए हैं अब आप वहां कैश का कोई नाम नहीं है कि कैश पे है या क्रेडिट पे और जब आपके कस्टमर का नेम गिवन हो तो आ, उसका मतलब ये होता है कि वो क्रेडिट पे है अगर कैश का जिक्र नहीं है या चेक का जिक्र नहीं है तो इन दैट केस दैट वुड बी क्रेडिट सेल्स तो यहाँ पर आप जे ब्राउन को डेबिट कर लेंगे ठीक है थर्टी से उसके बाद मंसूर आप मुझे ईमेल करें जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया मुझे यहाँ ईमेल को कोई ना शेयर करें ट्रांजैक्शन 28 अक्टूबर वाली आ, तो सैन मैंने बता दी है अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है कि 3.4 में ट्रांजैक्शन जो थर्ड जनवरी को हो रही है वो बता दें ठीक है देखें थर्ड जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हो रही है 3.4 में वो है आपकी सोल्ड गुड्स टू के जॉर्ज

अब इसमें ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होगी पहली आप ट्रांजैक्शन कर लें जो कैश आपने सेल्स की है कैश अकाउंट आप डेबिट कर दें ठीक है कितने से वन थाउजेंड आपका डेबिट हो जाएगा जब आप कैश रिसीव करेंगे और क्रेडिट में आप क्या कर दें सेल्स आप क्रेडिट कर दें वन थाउजेंड से ये एक ट्रांजेक्शन होगी और इसकी जो दूसरी ट्रांजेक्शन होगी इसी के साथ ही जो थर्ड जनवरी वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी कि आपने जो क्रेडिट पे सेल्स की हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लें जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स आपकी इनकम होती है सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 2500 में से 1000 ले लिया तो 1500 आपने अभी नहीं लिया किससे नहीं लिया के जॉर्ज से तो के जॉर्ज को आप डेबिट कर दें क्योंकि के जॉर्ज आपका क्या बन गया एसेट बन गया ठीक है ये आपका रिसीवेबल है के जॉर्ज इज योर रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल तो ये आपका 1500 से ये ट्रांजैक्शन आप कर लें ठीक है उसके बाद हमारे पास आ, <coughs> फैजान वो मैंने बताया कि जो 3.4 में है वो ड्राइंग्स हो रही हैं ड्राइंग्स लेके जा रहा है ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं जब ऑनर करता है तो डिक्रीज इन कैपिटल होता है तो डिक्रीज इन कैपिटल में हम कैपिटल डेबिट करने के बजाय ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं नेम लिखते हैं ड्राॅइंग क्यों कैपिटल कम हो रहा है ड्रॉइंग्स की वजह से कि ऑनर बिजनेस में से कोई शेयर लेके गया अगर ऑनर लेके जाता ना कैश तो बिजनेस की कैश रिड्यूस होगी तो कैश एसेट होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे अगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे लेके जाएगा तो बिजनेस का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो वो एसेट होता है तो एसेट रिड्यूस हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं लेकिन यहाँ पर वो गुड्स लेके जा रहे हैं ठीक है तो गुड्स हम क्रेडिट करेंगे गुड्स को क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करते हैं क्योंकि गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो हम उनको परचेज अकाउंट में डेबिट किया होता है ठीक है हमने उसको एक्सपेंस शो किया होता है तो जब वो गुड्स ऑनर लेके चला जाता है तो हम परचेजेस को ही कम कर देते हैं उतनी अमाउंट से इसलिए परचेजेस को हम क्रेडिट कर देते हैं ठीक है मोहसन अभी ये मैंने करवा दी है ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें ही नॉर्मली मसला आ रहा था <coughs> ठीक है मोहम्मद उमर आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये सारे क्वेश्चन एक दफा करके बता दें तो ये क्वेश्चन मैंने जो गूगल क्लासरूम है उसमें सोल्यूशन इसका ऐड किया हुआ है तो बच्चों को मैंने कहा था कि आप कंपैरिजन कर लें जो प्रॉब्लम होंगी Uh, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी आप कह रहे हैं सारे क्वेश्चन करवा दें तो आप क्वेश्चन ट्राई करें उसको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें प्रॉब्लम होंगी डेफिनेटली फिर आप पूछें ऑलमोस्ट तो सारे ही हो गई हैं ट्रांजेक्शन वो बार बार रिपीट हो रही हैं अली तैम जो चीजें आपने परचेज की हैं विद इंटेंशन टू री सेल द ईयर ठीक है वो आपकी अगर सेल नहीं होती है एट द एंड तो वो आपकी इन्वेंट्री में चली जाती हैं ठीक है हारोन अर्शद जो ट्रांजैक्शन नंबर आपने नाइन अक्टूबर की ट्रांजैक्शन पूछी है थ्री पॉइंट थ्री में उसमें देखें वो लिखा है रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइड टू हंड्रेड ठीक है एक ये ट्रांजैक्शन है सेकंड ट्रांजैक्शन उसी दिन दो हुई है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है ये दो ट्रांजेक्शन है तो पहली जो चीज है वो है रिटर्न गुड्स टू डब्ल्यू हाइंड ये आपकी परचेजेज रिटर्न है ठीक है आपने परचेज की थी अब डब्ल्यू हंड को वापस कर दी आपने तो ये परचेजेज रिटर्न है तो रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगी और डब्ल्यू हांड्स जो है वो उसको आप डेबिट कर देंगे ठीक है क्योंकि डब्ल्यू हांड्स आपकी आ, वो था पेबल था लाइबिलिटी कम हो जाएगी और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे ब्राउन में सेल्स आप कर रहे हैं तो सेल्स आपकी क्रेडिट होंगी क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और डेबिट में जे ब्राउन को डेबिट करेंगे बिकॉज यू आर सेलिंग हिम ऑन क्रेडिट ठीक है तो जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम जिसको सेल कर रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने वो एसेट होता है और एसेट इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट कर देते हैं इमान सलेबस मैंने वो गूगल क्लास Class, जो क्लासरूम है उसमें ऐड किया हुआ आप देखें जो फर्स्ट स्टार्ट में था अच्छा इसमें देखें अभी नॉर्मली वही है रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन सबके तकरीबन जो आमने की कर ली है सबके एक जैसे ही क्वेश्चन है ठीक है अब मैं अभी इससे फर्दर चलता हूं तो अच्छा देखें हमने फर्दर अब इससे आगे प्रोसीड करना है तो उसमें हमारे पास आ, क्या चीज़ आएगी वो देखें आज हम थोड़ा सा ना इसको फर्दर लेके चलते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसका 3.3 का ये सोलूशन है ठीक है ये मैंने ऐड कर दिया था कुछ लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उन्होंने कंपेयर कर लिया उनका क्वेश्चन में उन्होंने अपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्होंने अभी पूछ ली हैं ठीक है जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया वो क्वेश्चन करें ताकि उनको ये आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा देखें 3.3 में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं यहां पर लेजर्स में और जब आप लेजर्स प्रोड्यूस करेंगे तो लेजर्स आपने कैसे बनाने हैं वो देखें ठीक है अब यहां देखें जब हम लेजर्स बनाते हैं या टी अकाउंट बनाते हैं हमने एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल जो था उसमें हमने ये पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली हमें शो करता है कि ट्रांजैक्शन होगी और बाद में अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस क्या होगा किस तरह वो रिकॉर्ड होती हैं ठीक है आप देखें जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड uh, किया था uh, उस दिन पहले दिन भी मैंने आपको बताया था तो आप दोबारा बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बिजनेस के और किसी पार्टी के दरमियान कोई भी लेन देन है उसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं ठीक है जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ ली है अब जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट स्टेप है लेजर्स का जो लेजर्स होते हैं या हम इन्हें टी अकाउंट्स भी कह सकते हैं इनको टी अकाउंट्स भी कहा जाता है आज हमने ये पढ़ना है कि टी अकाउंट्स कैसे बनने जब हम टी अकाउंट्स बना लेंगे फिर उसके बाद इसके आगे ट्रायल बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन होगी या पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अब देखें आपने जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपने इसके लिए जर्नल जब आपने लेजर बनाना है तो आपने अभी इसको गौर से समझना है कि लेजर आप बनाएंगे कैसे ठीक है पहले आपने इसको समझ लेना है गौर से फिर जब मैं आपको कहूंगा कि आपने क्वेश्चन करना है तो देन आपने क्वेश्चन करना है स्टार्ट करने है. अब देखें हमारा क्वेश्चन है 3.3 ये आपने भी किया हुआ है यही हम क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें जर्नल एंट्रीज हैं डेबिट है क्रेडिट है ठीक है।, है अब देखें all, जो जो मैं करता जाऊंगा उसको मैं जाएगी ठीक है यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई थी कैपिटल ऑनर लेके आया था बिजनेस स्टार्ट किया था और जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो कितनी अमाउंट से किया था बिजनेस स्टार्ट किया था फाइव थाउजेंड कैश थी उसमें और बाकी उसमें बैंक बैलेंस था चेक लेके आया था जो ऑनर ठीक है उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे वो सिक्सटीन थाउजेंड का था फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश का अकाउंट बनाएंगे ठीक है अब देखें ये क्यों बना रहे हैं उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जितनी ट्रांजेक्शन नीचे हुई है आप देखें कि ये एक स्केटर्ड डाटा है जिसमें कैश डिफरेंट जगहों पे यूज हो रही है तो अब हमने क्या करना है इसकी एक समरी बनानी है ठीक है समरी कैसे बनाएंगे कि कैश को हम अलाहदा बना लेंगे बैंक की जो ट्रांजेक्शन है उनको अलहदा रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल वाली अलहदा कर लेंगे इनको हम सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे ठीक है उसमें सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाते हैं तो जरा कैश के अकाउंट ये जो फॉर्म होता है फॉर्मेट होता है वो जरा देख लें आप देखें कैश अकाउंट इसको मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूं कि हमारे पास ना फर्स्ट अकाउंट है ठीक है अब ये देखें, ये टी शेप में बन गया एक इसकी साइड है डेबिट साइड है एक इसकी क्रेडिट साइड है दो साइड हैं, ठीक है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अच्छा यहां पर जो जहाँ मैंने डेबिट लिखा है इसके नीचे हमने अमाउंट लिखनी है डॉलर्स में है रुपीज में है जो भी है ठीक है यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे ठीक है अब यहाँ देखें जो कैश है वो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रही है कैश उसमें क्या हो रही है डेबिट हो रही है कैश क्या हो रही है हमारे पास डेबिट हो रही है जब कैश हमारे पास डेबिट हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको इसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे इसको मैं रेड से कर रहा हूं कि ये हमारे पास होगी है ट्रांजेक्शन इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया अब देखें कैश जो होगी है वो डेबिट हो रही है कितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है 5000 से तो आप अमाउंट डेबिट साइड पे लिखें क्योंकि अब ये आपने देखना है कि ये डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है कैश क्या हो रही है डेबिट डेबिट साइड पे जहां डेबिट लिखा होगा उसके नीचे डॉलर का साइन है या करेंसी का साइन है उसके नीचे आपने अमाउंट लिख देनी है ठीक है जब आपने अमाउंट लिख देनी है तो आपने यहां पर डिटेल देनी है यहां पर आप डिटेल देंगे इसकी कि ये कैश अगर डेबिट हुई है तो क्यों हुई है उसकी रीजन क्या है आपने वो रीजन बतानी है आप देखें कैश डेबिट हो रही है तो जब आपने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखनी है तो क्रेडिट साइड वाला रेफरेंस देना है ट्रांजेक्शन का क्रेडिट साइड वाला रेफरेंस देखें क्या है कि आपकी कैश डेबिट हुई है फाइव थाउजेंड से और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो यहां पर आप रेफरेंस अपोजिट साइड वाले लिखेंगे कैपिटल आपने क्या लिखा है कैपिटल ठीक हो गया अब यहां देखें आपकी जितनी ट्रांजेक्शन है ना ठीक है इनिशियली मैं थोड़ा सा इसको करना हूं तो आप इसके हिसाब से ही जरा देख लें आप देखें सेकंड जो ट्रांजेक्शन फर्स्ट जनवरी फर्स्ट अक्टूबर को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें अगर आप देखें तो uh, कहीं पर भी uh, और कैश इन्वॉल्व नहीं है ठीक है फिर हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं सेकेंड अक्टूबर वाली तो उसमें भी ना कैश डेबिट हो रही है ना क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन को भी आप छोड़ देंगे इसको नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर जो अक्टूबर फोर को हो रही है उसमें परचेजेस डेबिट हो रही है और डब्ल्यू हाइड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब है कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन को भी आप छोड़ देंगे फिर आप ट्रांजेक्शन नंबर जो अक्टूबर फाइव को हुई है उसको देखें जो पहली है मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है जी ऑपर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ठीक है तो जो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ इसमें भी आपकी इस जनरल एंट्री में भी कहीं पर कैश इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी कैश इन्वॉल्व नहीं है कैश इन्वॉल्व हो रही है आगे चल के जो नेक्स्ट है उसमें देखें जो फाइव डेट को ये वाली जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये जिसको मैंने मार्क किया है ये कैश डेबिट हो रही है अगेन कैश क्या हो रही है डेबिट हो रही है तो ये जो कैश का अकाउंट है ना ये वाला जो कैश का अकाउंट है ऊपर इसमें आप इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश क्या हो रही है डेबिट हो रही है कितनी अमाउंट से हो रही है आप फर्स्ट डेबिट साइड पे उसको लिख देंगे अमाउंट ठीक है जब अमाउंट लिख लेंगे अब आप लिखेंगे कि हमारे पास ये कैश आई है तो कहां से आई है तो आप क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे क्रेडिट रेफरेंस उसके सामने देखें क्या है सेल्स तो यहां पर आप सेल्स को लिख देंगे अगर अब हम इस अकाउंट को पढ़े ना कैश वाले अकाउंट को तो हम कैसे पढ़ेंगे कि पहले देखें कि कैश अकाउंट जो है ये हमारे पास जो अकाउंट है इसको अगर हम रीड करते हैं तो हम कैसे रीड करेंगे कैश हमारे पास डेबिट हुई है फाइव थाउजेंड से इसका मतलब कैश जब भी डेबिट होती है इसका मतलब वो आपके पास आई है बिजनेस में आई है ठीक है तो फाइव थाउजेंड आई है तो रीजन तो आप लिखेंगे ना कि कहाँ से आई है फाइव थाउजेंड क्या हमने गुड्स सेल किए हैं किसी से लोन लिया है या हमने क्या किया है तो पहले जो रीजन है वो लिखा हम कैपिटल लिखा हुआ था इसका मतलब है ऑनर की इन्वेस्टमेंट है ठीक है उसके नीचे फिफ्टीन हंड्रेड कैश डेबिट हो रही है उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सेल्स हुई है इसलिए हम ऑपोजिट रेफरेंस लिख देते हैं क्लियरली ताकि हमें इसको रीड करने में आइडेंटिफाई करने में आसानी हो फ्यूचर में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो नाइन्थ अक्टूबर uh, की जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है उसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है इसका क्या करेंगे आप इसको अभी इस को भी भी छोड़ दें फिर अक्टूबर वाली जो है है उसमें भी कहीं कैश इन्वॉल्व नहीं है, ना डेबिट हो रही है ना क्रेडिट हो रही है इसको भी छोड़ देंगे एटीन वाली जो हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है जो हमने जर्नल एंट्री की है अगर आप उसको देखें तो उसमें ना तो कोई चीज डेबिट हो रही है ना ही कोई चीज सॉरी कैश डेबिट हो रही है ना ही कैश क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है हम कैश के अकाउंट में कुछ नहीं ट्रांसफर करेंगे जो ट्वेंटी सेकेंड वाली है उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है ट्वेंटी थर्ड जो है उसमें देखें कैश जो है वो क्रेडिट हो रही है कैश क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है कितनी अमाउंट से हो रही है थर्टीन हंड्रेड से आप क्या करेंगे ये थर्टीन हंड्रेड यहाँ पर क्रेडिट साइड पे जाके लिख लेंगे कि ये थर्टीन हंड्रेड हमारा ये आ गया क्योंकि क्रेडिट हो रही है तो जो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे अच्छा कैश अकाउंट की जो क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे तो डेबिट रेफरेंस लिखेंगे अब हम इसका डेबिट रेफरेंस क्या आर पीटर आर पीटर से हमने कैश रिसीव की थी जो डिटेल का कॉलम होगा क्रेडिट साइड पे उसमें आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे ठीक है डिटेल का कॉलम जो होगा क्रेडिट साइड पे उसमें आप क्या करेंगे उसमें आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे अब डेबिट रेफरेंस में हमारे पास है आर पीटर तो अब आर पीटर को आप क्या कर देंगे यहां पर लिख देंगे इसका मतलब है कि हमने जो कैश पे की थी वो आर पीटर को की थी हमने कैश क्या की थी सॉरी पे की थी पेमेंट की थी तो जब हम पेमेंट करते हैं कैश क्रेडिट हो जाती है तो कैश क्रेडिट साइड पे लिख दी अकाउंट में और किसको की है आर पीटर को हमने आर पीटर का अकाउंट डेबिट कर दिया ठीक है अब देखें ट्वेंटी एट को 28 को अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है पहली परचेजेस अकाउंट 1400 से और कैश अकाउंट 1400 से हमारे पास क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है अब यहां पर भी कैश हमारे पास क्रेडिट हो रही है कितनी अमाउंट से 1400 से तो हम जो कैश का अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पे जाके 1400 लिखेंगे ठीक है और रेफरेंस में हम क्या कर देंगे जो रेफरेंस होगा उसमें हम उसको रेफरेंस लिखेंगे डेबिट रेफरेंस तो डेबिट क्या है परचेजेस इसका मतलब यह है कि हमने परचेजेस की हैं और परचेजेस हमने की है कैश में ठीक है उसके नेक्स्ट जो 28 की सेकंड एंट्री है उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है 29 अक्टूबर को जो एंट्री हुई है उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है और 31 अक्टूबर को जो हुई है उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है अब आप क्या करेंगे इसके बाद अब आपने इसको ना अकाउंट को क्लोज करना है जब आप क्लोज करेंगे अकाउंट को तो क्लोज अकाउंट कैसे होगा देखें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है कौन सी अमाउंट ग्रेटर है अगर आप दोनों साइड को कैलकुलेट करें ना तो डेबिट साइड पे अगर आप देखें तो एक फाइव थाउजेंड की अमाउंट आपने रिसीव है कैपिटल आया फिफ्टीन हंड्रेड आपने कैश सेल्स की टोटल आपके पास सिक्सटी फाइव हंड्रेड डेबिट साइड पे आया जबकि क्रेडिट साइड अगर देखें तो क्रेडिट साइड में एक 1300 की आपने पेमेंट की है और एक पेमेंट की है आपने 1400 की ठीक है दो पेमेंट्स की हैं तो क्रेडिट साइड आपकी टोटल बन जाती है यहाँ पर 2700 की तो कौन सी साइड ग्रेटर है डेबिट साइड ग्रेटर है तो आप क्या करेंगे डेबिट साइड पे यहाँ पर जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें टू लाइन लगाएंगे नीचे और इसका टोटल कर लेंगे टोटल आपका आ जाएगा सिक्सटी यही टोटल आप क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 6500 6500 में से क्रेडिट साइड की जो पेमेंट्स हैं ये दो ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास कितनी अमाउंट आती है वो आप यहां पर लिखेंगे आप देखें आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है ठीक है 6500 आपके पास टोटल अमाउंट आई उसमें से एक पेमेंट किया आपने 1300 की वो आपकी कैश कम होगी फिर आपने पेमेंट किया 1400 की वो भी कैश कम होगी और रिमेनिंग आपके पास जो कैश रह गई है वो 3800 की रह गई ये आपके पास क्या है बैलेंस रह गया कैश का ये आपके पास बैलेंस है तो फिर आप इसको लिखते हैं बैलेंस ये जो सी डी लिखा होता है ना इसका मतलब होता है कैरी डाउन इट मीन्स कैरिड डाउन ठीक है कि आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है या आप कह सकते हैं कि कैश अक्टूबर के एंड पे आपके पास जो कैश पड़ी हुई थी वो थर्टी एट हंड्रेड की कैश पड़ी हुई थी ठीक है ये एक अकाउंट बनाया अभी सिर्फ कैश का अकाउंट बनाया ठीक है आपको कैश के अकाउंट से रिलेटेड जो भी यहां तक आपके क्वेश्चन हैं, वो आप कर लें क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आई इसमें कोई चीज पूछने वाली है कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं की ठीक है अच्छा ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में डिफरेंस पूछा एक स्टूडेंट ने तो ट्रेड रिसिवेबल्स और ट्रेड पेबल्स में डिफरेंस मैंने कई दफ़ा बताया दोबारा बता रहा हूँ कि ट्रेड रिसिवेबल्स का मतलब होता है कि आपके वो कस्टमर जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिए हैं और फ्यूचर में आपने उनसे पैसे लेने हैं तो वो आपके ट्रेड रिसिवेबल्स कहलाते हैं अभी आपको पेमेंट नहीं दी तो जो ट्रेड पेबल्स होते हैं वो होते हैं कि आपने जिन सप्लायर से क्रेडिट पे जिन लोगों से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं और फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है वो ट्रेड पेबल्स होते हैं अब्दुल रहमान जो रिक्वायरमेंट होती है उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपने क्या करना है ठीक है मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो मोडिफाइड करके करवाया था मैंने आपसे पहले ट्रांजेक्शन uh, की जर्नल एंट्रीज बनवाई हैं लेजर्स अभी बनवा रहा हूँ इसलिए आपको मैंने कहा था उनको आपने नहीं छेड़ना ड्राइंग्स uh, हमेशा डेबिट ही, ही होती हैं, ठीक है क्योंकि वो कैपिटल रिड्यूस हो रहा होता है तो कैपिटल रिड्यूस जब होता है तो हम उसको कैपिटल को डेबिट करना चाहिए ना तो हम कैपिटल को डेबिट करने के बजाय ना उसमें वर्ड ड्राइंग्स यूज करते हैं डेबिट करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये कैपिटल ही रिड्यूस हो रहा है क्यों रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑनर कोई चीज विड्रॉ करके लेके जा रहा है बिजनेस में से हमजा जब गुड्स डिक्रीज होती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं और इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं आप रिवर्स चल रहे हैं जैसे आपके पास गुड्स आती हैं आपने कुछ चीजें ली हैं तो आपके पास वो गुड्स इंक्रीज uh, हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं इंक्रीज हो रही हैं तो जब इंक्रीज होनी होती हैं तो उनको डेबिट करना चाहिए और जब वो आपके पास से चली जाएंगी डिक्रीज हो जाएंगी तो उनको आप क्रेडिट करेंगे <coughs> आयशा जो क्रेडिट है ना क्रेडिट का मतलब होता है उधार वैसे तो ठीक है लेकिन ना जब हम डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं अकाउंटिंग में तो उसका मतलब ये होता है कि जब एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं हम इस लिहाज से उसको याद रखते हैं इसी तरह जो एक्सपेंसिस हैं वो जब इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं लाइबिलिटीज भी इसी लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल जब भी ये आपके पास रिड्यूस uh, होते हैं इंक्रीज uh, होते हैं तो आप उनको क्रेडिट करते हैं और जब रिड्यूस होते हैं तो आप इनको डेबिट कर देते हैं इस तरह आपने इसको याद रखना है ऑन क्रेडिट अगर लिखा हो ना ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट ठीक है क्वेश्चन में कि गुड्स परचेज ऑन अकाउंट और गुड परचेज ऑन क्रेडिट उसका मतलब हो जाता है उधार पे परचेज की है ठीक है और अगर लिखा हो ना कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट तो उसका मतलब होता है आपने क्रेडिट पे सेल की है उधार सेल की है आयशा जो कैपिटल होता है वो ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे कैपिटल कहते हैं अच्छा <coughs> कासिम ये मैं दोबारा करता हूँ ठीक है अभी मैंने ये किया अभी मैं आगे चलता हूं इसके ना अभी आ, इसको लेके तो दूसरा अकाउंट भी एक बनाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अकाउंट बनाने कैसे हैं ठीक है अभी मैं इसका दूसरा अकाउंट भी बनाता हूं देखें अभी ना मैं यहाँ पर ना कैश के बाद ना कैश के अकाउंट सारे हमने बना दिए आपने तो हमने बना ली अब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं ये बैंक सेकंड नंबर पे हमारे पास है बैंक ठीक है अब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं जब हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक के अकाउंट में हम क्या करेंगे मैं इसको कर रहा हूँ यहां पर ना हाईलाइट ये बैंक का अकाउंट है अब जितने भी हमारे पास बैंक के अकाउंट्स हैं बैंक का अकाउंट में यहां बना रहा हूँ कैश की तरह इसको समझ लें कि आपके बैंक अकाउंट में आपने इसमें सिंपल ये देखना है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और कितने गए हैं कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है इसकी डेबिट साइड होगी डॉलर की अमाउंट और क्रेडिट साइड होगी डॉलर अमाउंट ठीक है और फिर इसमें डिटेल होंगी ठीक है डिटेल के कॉलम्स होंगे यहाँ आप डिटेल देंगे अब यहाँ देखें जो फर्स्ट आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट एंट्री है वहां से स्टार्ट करना है ठीक है आपने मिडल में से स्टार्ट नहीं करना फिर आपका क्वेश्चन गलत हो, होने के चांसेस है वो गलत हो जाएगा जो फर्स्ट अक्टूबर को देखें कि फर्स्ट अक्टूबर को जो ट्रांजेक्शन हुई है जो पहली ट्रांजेक्शन हुई है फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर को उसमें कैश डेबिट हुई कैपिटल क्रेडिट हुआ हमारे पास इसका मतलब बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो उसी डेट को सेकंड जो बैंक में पैसा जमा करवाया पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से हो रहा है वो अमाउंट लिख लें आप सिक्सटीन थाउजेंड से वो डेबिट हो रहा है हमने ये अमाउंट लिख ली यहाँ पर और जब हम डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो हम क्रेडिट रेफरेंस देते हैं क्रेडिट रेफरेंस क्या है कैपिटल इसका मतलब है कि कैपिटल जो है ये हम यहाँ पर लिख देंगे अब अगर हम इसको पढ़ेंगे ना अगर हमारे पास अकाउंट आ जाता है किसी फ्यूचर में आपके पास तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है बैंक आपका एसेट होता है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं तो डेबिट हो रहा है सिक्सटीन थाउजेंड से इसका मतलब है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है वो रीजन है कैपिटल ठीक है क्रेडिट रेफरेंस वो हम लिखेंगे यहाँ पर वो हम लिख दिया उसके बाद देखें जो सेकेंड अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हो रही है ना उसमें बैंक बैंक क्रेडिट क्रेडिट हो 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 रहा 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 है हो रहा है है उसमें क्या जब ये क्रेडिट हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है एटीन हंड्रेड से हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया डेबिट रेफरेंस हम क्या लिखेंगे परचेजेस इसका मतलब ये है कि हमने परचेजेस की है कितने की 1800 की और हमने बैंक अकाउंट में से पेमेंट कर दिए तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक बैलेंस जब भी रिड्यूस होता है उसका मतलब है 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 एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा जो फोर्थ को ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो फिफ्थ को ट्रांजेक्शन हुई है उसमें भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो ट्रांजेक्शन हो रही है नाइन को उसमें भी कहीं पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है इसी तरह जो 14 को ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जर्नल एंट्री में भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे पास ना ट्वेंटी सेकेंड को उसमें देखें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से हो रहा है वो अमाउंट बैंक का अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दें सिक्स अमाउंट लिख दी अब उसका अपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे देखें क्रेडिट रेफरेंस क्या है वो है जे ब्राउन आप यहां पर जे ब्राउन का नेम लिख दे देंगे इसका मतलब है कि आपने 600 डॉलर्स का चेक रिसीव किया था किससे जे ब्राउन से तो जब आप चेक रिसीव करते हैं आपका बैंक बैंक में आप डिपॉजिट करवाएंगे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक बैलेंस आपका एसेट होता है तो एसेट इंक्रीज जब भी होता है उसको आप क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं उसको आप क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं अच्छा उसके बाद यहां देखें कि जो ट्वेंटी थर्ड को ट्रांजेक्शन हुई है उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है जो ट्वेंटी हो रही है जर्नल एंट्रीज में देखें कहीं पर भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है ट्वेंटी नाइन्थ में भी कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है थर्टी फर्स्ट को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है 800 से ये अमाउंट आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और डेबिट रेफरेंस लिखेंगे कि आपने किसको पेमेंट की है बैंक से तो वो आपने पेमेंट किया है डब्ल्यू हाइंड्स को पेमेंट किया आपने किसको डब्ल्यू हाइंड्स को अब देखें अब सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस आपने इसमें लिख ली अब आप क्या करेंगे अब आप इसको करेंगे क्लोज ठीक है जब आप इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का क्या तरीका है जैसे आपने कैश का अकाउंट ऊपर क्लोज किया वैसे ही बैंक का अकाउंट भी करेंगे डेबिट साइड देखें बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड पे हमारे पास दो अमाउंट है, है और सिक्स हंड्रेड की है. ने दिया था बिजनेस स्टार्ट किया था बैंक में डिपॉजिट करवाया था और सिक्स हंड्रेड से लिया ठीक है तो हमारे पास टोटल डेबिट साइड जो है वो आ रही है सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से तो आपने जो साइड बड़ा होगा वो टोटल में नीचे लिखेंगे ठीक है यहाँ पर आप टोटल करेंगे इसका जो टोटल जो है दोनों साइड पे आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों कॉलम में डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी सिक्स हंड्रेड ठीक है उसमें से आपने सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से पहली पेमेंट की है वो की है आपने एटीन हंड्रेड की अगर आप वो माइनस कर दें और दूसरी आपने उसमें से बैंक में से, से पेमेंट कर दी है एट हंड्रेड की रिमेनिंग so आपके पास जो बैंक में बैलेंस बच गया ना एट द एंड वो बचा अक्टूबर के एंड पे कितना 14,000 ठीक है वो कितना बच गया 14,000 और इसको आप लिखते हैं ये बैलेंस डाउन है ये क्या बैलेंस सी डी बैलेंस डाउन ये आपके पास क्या है दिस इज योर बैंक बैलेंस एट थर्टी फोर्स्ट टू 2004, ठीक है आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वो 16,600 का पड़ा हुआ है कब 31st अक्टूबर 2004 को ठीक है इसको जरा देखें जरा मैच करें जो ट्रांजेक्शन मैंने ट्रांसफर किए हैं, मैंने कैसे किए हैं ठीक है थीके? और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अब आप पूछ लें लेजर्स जो होते हैं ना बेसिकली ये मैंने बताया था कि लेजर्स क्या होते हैं लेजर होता है या टी अकाउंट होता है ये समरी होती है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ये क्या होती है समरी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप ये कह सकते हैं कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं जैसे कैश की ट्रांजेक्शन थी वो सारी की सारी हमने एक जगह पे लिख दिए रिकॉर्ड कर लिए वो स्कैटर्ड नहीं है अभी हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो कैश है जो कैश इन हैंड थी कैश हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का वो हमारे पास पड़ा हुआ है थर्टी एट हंड्रेड का हमने वो कैलकुलेट कर लिया इसी तरह बैंक की सारी ट्रांजैक्शन हमने एक अकाउंट बनाया लेजर अकाउंट उसमें डाल दी ठीक है और एट द एंड हमें ये पता चल गया कि फोर्टीन थाउजेंड का हमारे पास बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है ठीक है डेबिट जो है ना, उसमें सिर्फ डी आर सिर्फ डेबिट रेफरेंस के नाम से लिखा होता है तो हम उसको डेबिट पूरा लिखने के बजाय ना हम शॉर्ट में उसे डी आर लिख लेते हैं लेकिन ये डॉक्टर नहीं है ठीक है ये डेबिट है अकाउंटिंग में मेडिकल में डॉक्टर ही होता है डी आर अच्छा उसके बाद <laughs> मोहम्मद अरसलान जो बैलेंस डाउन है ना वो देखें कैश का जो बैलेंस डाउन है वो हमारे पास कितना आया? ये, इसका मतलब है हमारे पास कैश कितनी पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ अक्टूबर क्योंकि जब अक्टूबर स्टार्ट हुआ था तो ओनर ने 5000 कैश बिजनेस में दी थी इसी तरह सेल करके आपने फिफ्टीन ले ली और उसमें एक आपने पेमेंट की आर पीटर को थर्टीन की और दूसरी आपने परचेजेस कर ली गुड्स परचेज किया फोर्टीन हंड्रेड की तो डेफिनेटली इन दो पेमेंट्स को आप पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना कैश बच गया है सिमिलरली आपके पास जो बैंक है ना उसमें भी आपने ऐसा ही किया कि आपके पास ऑनर ने इन्वेस्टमेंट दी 16,000 की जे ब्राउन से 600 ले लिया टोटल आपके बैंक में अमाउंट आई अक्टूबर में 16,600 की उसमें से एक तो आपने 1800 की परचेजेस कर ली, आपने डब्ल्यू हाइंड्स को 800 पे कर दिया और एट द एंड 31 अक्टूबर को आपके बैंक अकाउंट में 14,000 पड़ा हुआ था कैश पड़ा हुआ था ठीक है ये बैलेंस डाउन क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, है ठीक है <coughs> अच्छा जया की सिक्सटी फाइव हंड्रेड क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है अच्छा देखिए 6500 हमने क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा 6500 जो है जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है ये टोटल है ठीक है आप क्या करते हैं आपने जब ये कैश है ना तो कैश की जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों साइड पे लिखा जाता है जैसे ये है तो ये हमने कैश का टोटल हमारे पास टोटल कैश आई थी सिक्सटी की वो टोटल हमने दोनों साइड पे लिख लिया उसमें से हमने थर्टीन हंड्रेड और फोर्टीन हंड्रेड की पेमेंट कर दी थी कैश में से तो बैलेंस हमारे पास जो बच गया वो कैश का थर्टी एट हंड्रेड ठीक है तो सिक्सटी फाइव हंड्रेड टोटल है जो हमने दोनों साइड पे लिखा हुआ है सिमिलरली आपका जो बैंक अकाउंट है उसको भी आपने क्या किया है उसके भी आपने बैलेंस निकाल लिया है ठीक है अब <coughs> उसमें भी टोटल दोनों साइड पे लिखना है जो साइड जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पे आपने लिखना है जब भी अकाउंट आप बनाएंगे मोहम्मद उमर ब्रॉड डाउन होगा आप अभी इस पे रहें जितना मैं करवा रहा हूँ आगे आगे ना चलें ताकि बाकी बच्चे जो हैं ना कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ना अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है जिन्होंने आई कॉम वगैरह नहीं किया हुआ ठीक है या डी कॉम नहीं किया तो इस वजह से ना उनके लिए थोड़ा सा ईजी करके समझाना पड़ता है तो जिन लोगों को ब्रॉड डाउन वगैरह का पता है वो जरा थोड़ा सा सब्र रखें Uh, फजर फयाज जो 3800 है वो देखें आप अगर कैश का अकाउंट देखें तो आपके कैश अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो है 6500 की टोटल ठीक है उसका मतलब ये था कि कैपिटल आया था ऑनर ने कैश दी थी बिजनेस में 5000 की और ऑनर ने उसके बाद सेल की है कैश रिसीव किया तो टोटल 6500 हमारे पास कैश आ गई थी उसमें से दो पेमेंट्स की हैं एक आरपीटर को पेमेंट कर दी थर्टीन हंड्रेड की दूसरी पेमेंट हमने कर दी परचेज कर ली गुड्स परचेज कर लें तो वो पेमेंट करने के बाद आपके पास कैश कितना बच गया ये सिंपल यही है कि आपके पास सिक्सटी फाइव हंड्रेड है उसमें से आपने एक तेरह सौ की कोई शर्ट ले ली है और फोर्टीन हंड्रेड की एक और चीज ले ली है ठीक है और आपके पास रिमेनिंग कैश कितनी बची है दिस इज थर्टी एट हंड्रेड बैलेंस ठीक है मलाइका क्लोजिंग मैंने दोबारा आपको बता दिया सब लोगों को दोबारा ठीक है जुनेरा जो क्रेडिट साइड पे कैश है ना वो क्योंकि हम उसको अगर टोटल करते हैं ना कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो वो एक थर्टीन हंड्रेड की है और एक फोर्टीन हंड्रेड की है, टोटल ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बनता है ठीक है तो हम बजाय इसके दोनों साइड को टोटल करके फिर बैलेंस करें हम ये करते हैं कि जो साइड बड़ी होती है उसको टोटल में लिख लेते हैं दोनों साइड पे ठीक है और रिमेनिंग साइड जो दूसरी साइड होती है जैसे यहाँ क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो जो शॉर्ट हो साइड होती है वो उसमें से माइनस कर लेते हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है थर्टी जैसे यहाँ पर आया तो वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है वो क्या आ जाता है बैलेंस कैरिट डाउन <laughs> ज़ाहरा जो आपने कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड जो होता है ना वो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डाउन होता है ठीक है ये अगर कैरी डाउन ही होगा ठीक है कैरी फॉरवर्ड होता है कि आप carry forward का मतलब ये होता है कि पिछले साल आपके पास या पिछले मंथ कैश पड़ी हुई थी वो अगले मंथ आपने उसको यूज करने के लिए आप ले आए हैं वो ओपनिंग बैलेंस होता है अब्दुल रहमान यहाँ पर जो कैरिट डाउन है ना आप देखें कैश आपके पास ना एंड पे बच गया थर्टी एट हंड्रेड का ठीक है तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास कैश जो एसेट है वो थर्टी एट हंड्रेड का थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को जब एसेट कैलकुलेट करेंगे तो कैश आपके पास थर्टी एट हंड्रेड है तो वो आपके पास एसेट है इसी तरह बैंक बैलेंस जो है वो फोर्टीन थाउजेंड आपके पास बच गया है तो कैश एट बैंक बैलेंस एट द एंड आपके पास जो बचा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को वो फोर्टीन थाउजेंड का बच गया ये दोनों एसेट हैं ठीक है आ, सारे मिर्जा थर्टी एट हंड्रेड हमने बैलेंस निकाला है डेबिट साइड देखे ना हमने टोटल किया डेबिट साइड का कैश बुक कैश अकाउंट का तो वो 6500 आया कि हमारे पास कैश थी टोटल 6500 की उसमें से दो पेमेंट किए हैं एक आरपीटर को की है और एक की हैं तो रिमेनिंग हमारे पास जो बैलेंस बचा है बैलेंसिंग फिगर वो हमारे पास 3800 आया है मंसूर जो क्रेडिट पे आप करते हैं ना मंसूर खोड़ो जो क्रेडिट पे सेल करते हैं आप उसको कैश में नहीं लिख सकते ठीक है वो कैश तो आपने ली नहीं है अब बात सबसे पहले आपने ना डेबिट साइड जब अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों का आप टोटल करके चेक कर लेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है जो साइड बड़ी होगी उसको नीचे टोटल में लिखेंगे वो बैलेंस लिखेंगे और जो छोटी साइड होगी वो उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा कैरी डाउन का मतलब होता है कि आपके पास ना तलहा आपका क्वेश्चन था तो उसमें यह कैरी डाउन का मतलब जैसे कैश कैरीडाउन थर्टी एट हंड्रेड मैंने लिखा हुआ है बैलेंस कैरी डाउन तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एट द एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट अक्टूबर एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास थर्टी एट हंड्रेड कैश पड़ा हुआ है ठीक है कैश इन हैंड है आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है आपके पॉकेट में है, जो भी है सिमिलरली आपका कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन आया है बैंक में फोर्टीन थाउजेंड तो इसका मतलब है कि आपके बैंक में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को जब मंथ एंड हुआ है तो थर, आपके फोर्टीन थाउजेंड बैंक में आपका पड़ा हुआ था कैश पड़ी हुई थी बैंक में वो बैंक बैलेंस था आपका ठीक है ये एसेट है अच्छा ये मैंने आ, काफी दफा समझा दी है कुछ बच्चों के अभी मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा समझा दें तो ये मैंने दोबारा समझा दी है अभी मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ ठीक है <laughs> जन्नत सलीम टोटल लिखना है सिर्फ दोनों साइड पे जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पे लिख लेना और शॉर्ट साइड उसमें से माइनस कर लेनी है तो बैलेंस जो बच जाएगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन कहेंगे ठीक है अच्छा अब देखें अब मैं आपको ने एक और अकाउंट करवाता हूं ठीक है आपको और क्लियर हो जाएगा इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना ठीक है अभी तक आपने माशाल्लाह ठीक है सभी पार्टिसिपेशन भी अच्छी है आप लोगों की अच्छा अभी देखें एक और अकाउंट मैं बनाने लगा लगाऊ यहां पर ना तो उसको हम करते हैं अच्छा देखें अभी हमने कैश का अकाउंट बनाया और हमने अकाउंट बनाया है इसका बैंक का अभी हम ना ये दो अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं थर्ड हम यहां से प्रिपेयर कर लेते कैपिटल का अकाउंट देखें कैपिटल हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश का अकाउंट हम पहले बना चुके हैं हमें जरूरत नहीं बनाने की बैंक का भी बना लिया जरूरत नहीं है कैपिटल का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो हम कैपिटल का अकाउंट यहां बना लेते हैं ठीक है जब कैपिटल का अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे <laughs> बनाएंगे वो देखें कैपिटल का अकाउंट कैसे बनेगा थर्ड पे है कैपिटल अकाउंट यह भी आपने वैसे ही बनाना है सिमिलर वे में कि डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट रेफरेंस क्रेडिट साइड क्रेडिट और डी आर स्टैंड फॉर डेबिट यहां पर आप अमाउंट लिखेंगे इन कॉलम्स में और बाकी आप डिटेल लिखेंगे यहां आपने डिटेल देनी है यहां पर भी आप डिटेल देंगे अब okay. यहाँ देखें अभी हम यहां पर अगर जाते हैं तो जो हमने कैपिटल का अकाउंट है सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन देखें फर्स्ट अक्टूबर की उसमें कैपिटल देखें आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है ठीक है कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से क्रेडिट हो रहा है वो देखें ये कैपिटल का अकाउंट है क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से फाइव थाउजेंड से तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे उसमें क्रेडिट साइड पे हम अमाउंट लिखेंगे फाइव थाउजेंड ये हमने लिख ली ठीक है अब इसमें कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है इसकी डेबिट साइड देखें कि अपोजिट साइड पे रेफरेंस क्या है जब हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो डेबिट साइड का रेफरेंस देते हैं तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कि कैश आई है आपके पास कैश डेबिट हो रही थी और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था फाइव थाउजेंड से ये आप ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद आपके पास कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसके नीचे कितने से सिक्सटीन थाउजेंड से आपने सिक्सटीन थाउजेंड से कैपिटल को कर लिया क्रेडिट और डेबिट रेफरेंस आपका क्या है कि ये सिक्सटीन आपको आए कहाँ से आपके बैंक अकाउंट में आए अब इसको अगर रीड करें ना तो देखें अगर आपको अकाउंट गिवन हो और आपने उसको रीड करना हो तो वो कैसे रीड करेंगे कि कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है सबसे पहले और कैपिटल जब भी क्रेडिट होता है इसका मतलब है वो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है कैपिटल इंक्रीज हुआ 5000 से ठीक है लेकिन वो 5000 कहां से आए वो कैश आई वो क्या आई कैश सिमिलरली आपके पास दूसरी दफा कैपिटल क्रेडिट हुआ सिक्सटीन थाउजेंड से इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ है कैसे इंक्रीज हुआ है बैंक बैलेंस में पैसा ऑनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है ठीक है दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए उसमें कैश कैपिटल इन्वॉल्व ही नहीं है थर्ड में, में भी इन्वॉल्व नहीं फोर्थ में भी इन्वॉल्व नहीं है उसके बाद फाइव डेट को जो हुई है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी कैपिटल की सिमिलरली अगर आप आगे चले जाए जो नाइन्थ को ट्रांजेक्शन हुई है उसमें भी कैपिटल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसी तरह आप अगर नेक्स्ट फोर्टीन पे जाए उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैपिटल ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब है इसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे फिर आप अगर देखें एटीन को तो एटीन को भी कोई कैपिटल डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा इसी तरह ट्वेंटी सेकेंड को भी और ट्वेंटी थर्ड को भी कोई कैपिटल डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा ट्वेंटी एट को भी कोई नहीं हो रहा मोवमेंट इसके बाद ट्वेंटी नाइन को भी कोई नहीं कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो रहा और थर्टी फर्स्ट को भी नहीं हो रहा जब इतने सारे आपने सारी ट्रांजेक्शन देख ली सारी जर्नल एंट्रीज देख ली उनमें कुछ नहीं हो रहा ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट अब आप क्या करेंगे इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट को अब देखें जब क्लोज करेंगे तो क्लोज आपने कैसे करना है क्लोज करने के लिए आप देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट आपकी जो साइड बड़ी होगी उसको आप डबल लाइन लगा के टोटल उसके अंदर दरमियान लिख देंगे क्रेडिट साइड बड़ी है कितने से ऐड क्रेडिट साइड 16000 प्लस 5000 21000 21000 आप दोनों साइड में टोटल में लिख लेंगे ठीक <laughs> है अब देखें डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं गिवन जीरो वैल्यू गिवन है ट्वेंटी वन थाउजेंड में से आप अगर जीरो निकाल देंगे तो ट्वेंटी वन थाउजेंड ही बैलेंस बचेगा अब ये वाला जो बैलेंस है ये आपके पास आएगा बैलेंस डाउन। ये बैलेंस डाउन कैपिटल का शो कर रहे हैं कि आपके पास क्या था थर्टी फर्स्ट एट थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर टू थाउजेंड एंड फोर कैपिटल बैलेंस कैपिटल वॉज ऑफ़ ट्वेंटी वन थाउजेंड आपके पास कैपिटल कितना है एट द एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड का है यहां तक क्लियर है <coughs> यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें ठीक है फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं नवाबजादा अभी मैंने दोबारा समझा दिया आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया था ठीक है तो मैंने दोबारा समझा दिया इसको आप इसको कर लें तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा हां जी मोइस देखें आपने क्वेश्चन किया था कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा आप देखें जैसे कैपिटल का अकाउंट है उसमें कैपिटल क्रेडिट थाउजेंड है क्रेडिट साइड ज्यादा है तो so, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकला है वो डेबिट साइड पे निकला है ओके वेरी गुड उमेर क्रेडिट और डेबिट जो होता है ना वो इक्वल होता है जब जर्नल एंट्रीज करते हैं ठीक है जब जर्नल एंट्रीज करते हैं लेकिन लेजर्स जब बनाते हैं ना कैरिड डाउन होता है वो इस तरह कैलकुलेशंस करनी है आपने मुजना मैंने कहा था कि आपने जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है ठीक है और दूसरी बात ये थी कि मैं उसका सोल्यूशन जो होता है वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ ठीक है रात को तो फिर आप उस रात तक अपना काम होमवर्क कंप्लीट कर लें जो असाइनमेंट है कंप्लीट कर लें फिर आप उसके साथ कंपेर कंपेयर कर लें कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बैलेंसेस सही हैं या गलत हैं, ठीक है थीके? वो आपको वहां से पता चल जाएगा अब्बास नकभी थर्टी एट हंड्रेड मैंने थर्टीन हंड्रेड और फोर्टीन हंड्रेड को कैश में क्रेडिट साइड पे टोटल करके नहीं किया था बल्कि डेबिट साइड बड़ी थी सिक्सटी फाइव हंड्रेड थी ठीक है तो उसमें उसको मैंने टोटल में दोनों साइड पे नीचे लिखा और क्रेडिट साइड जो थी थर्टीन हंड्रेड और फोर्टीन हंड्रेड उसमें से माइनस कर ली तो थर्टी एट हंड्रेड जो है वो रिमेनिंग कैश है कि आपके पास एट द एंड आप थर्टी फर्स्ट अक्टूबर कितनी कैश बाकी थी ठीक है वो रिमेनिंग बैलेंस है थर्टी एट हंड्रेड हमजा उसकी रीजन ये है कि शुरू में आप जो भी सब्जेक्ट नया अडोप्ट करते हो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एबजॉर्ब करने में कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में ठीक है तो इसलिए शुरू में होता है मसला इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ अभी ठीक है तो आ, ये चीजें बेसिक्स हैं जब ये बेसिक्स आपकी क्लियर हैं तो आप इसका मतलब है आपके जो भी आगे अकाउंटिंग के चैप्टर्स जितने भी आएंगे उसमें चाहे आपको लेजर्स बनाने आ जाए चाहे कोई ट्रीटमेंट करनी आ जाए कि आपने एक ट्रीटमेंट कहाँ करनी है तो आपको वो जुबानी याद हो जाएगा तब तक ठीक है तो आप वो उसको कर सकते हैं ईजीली फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप शुरू से ही हर चीज दोबारा से करें हाँ जी इब्रार जवानी ट्रेड पेबल्स अकाउंट भी ऐसे ही बनाएंगे हम ऐसे ही सारे अकाउंट्स बनाएंगे अली तैमूर अकाउंट ऊपर नहीं टोटल करते होते नीचे टोटल होता है ठीक है वो जैसे मैंने सिक्सटी फाइव हंड्रेड और सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड किया हुआ है ठीक है ट्वेंटी वन थाउजेंड इसमें किया हुआ जैसे कैपिटल में तो टोटल नीचे करते हैं ऊपर नहीं लिखने अच्छा अब्दुल्ला अवान जो जो आप कह रहे हैं तो जो डिटेल है वो प्रॉपर लिखनी होगी प्रॉपर प्रॉपर ये प्रौपर डिटेल है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये ऐसा ही लिखना है ठीक है ये ऐसा ही लिखना होता है कि आपने अमाउंट लिखनी है क्रेडिट साइड पे अगर अमाउंट है अकाउंट में तो आप डेबिट रेफरेंस लिखेंगे और डेबिट साइड पे अगर अमाउंट लिख रहे हैं तो क्रेडिट रेफरेंस लिखते हैं ये प्रॉपर डिटेल यही होती है इससे ज्यादा डिटेल नहीं लिखते है आयशा बुक मैंने आप लोगों को बताई थी सबको कि नुमान मलिक की आपने बुक खरीदी ए एस लेवल की आर्टिकल नंबर है वन वन फाइव जो मैंने वहाँ पर भी ऐड किए हुए हैं सारे उसमें बुक के टाइटल पेजेस जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर ऐड हैं वो जरा आप देखें ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर की जो एंट्री है ना वो शीस वो आ, मैंने आपको करवा दी है कि वो ये थी कि आपने सेल्स की थी क्रेडिट पे जे ब्राउन को ठीक है तो सेल्स क्रेडिट हो गई थी और डेबिट में आपके जे ब्राउन डेबिट था क्योंकि जे ब्राउन से आपने फ्यूचर में पैसे लेने अभी नहीं लिए तो इसलिए वो आपका रिसिवेबल है मोहम्मद शसदान क्रेडिट का टोटल मैंने आपको अभी बार बार करवा दिया है कि क्रेडिट आपने कैसे टोटल करना है जैसे आप कैपिटल में देखें आ, आपकी आ, दोनों साइड जो में से जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल में आप लिखेंगे और जो साइड शॉर्ट है वो उसमें से माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा देखें आप मैंने तीन अकाउंट बना दिए कैश का अकाउंट भी बनाया बैंक का बनाया कैपिटल का भी बना दिया है इश्फाक अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट थ्री कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको कही नहीं है थ्री पॉइंट फोर के अकाउंट्स बनाए ठीक है अभी हम थ्री पॉइंट थ्री कर रहे हैं तो आप इसको फोकस करें बजाय इसके क्या आप उस पर चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे उस्मान uh, देखें कैश जो होता है कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया था क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट थी इसी तरह बैंक का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया था बैंक शॉर्ट था क्रेडिट साइड शॉर्ट थी लेकिन कैपिटल का अगर अकाउंट देखें ना तो वो आपका आ रहा है डेबिट साइड पे ठीक है तो क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ी है डेबिट साइड छोटी है जो साइड शॉर्ट होती है उसमें बैलेंस कैरी डाउन आएगा ठीक है बैलेंस कैरीड डाउन जिया जट मैंने बताया कि क्लोजिंग बैलेंस होगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास क्लोजिंग कितना बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का कितना बैलेंस पड़ा है बैंक में कितना पड़ा है कैपिटल कितना पड़ा हुआ है ठीक है मोसन बैंक का टोटल जो है वो उसमें यह था कि आपने डेबिट मोसन अली उसमें हमने डेबिट साइड जो थी उसको देखा था कि डेबिट साइड बड़ी थी तो टोटल में हमने दोनों साइड पे वही लिख दिया था जो उसके बैंक अकाउंट की डेबिट साइड थी सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ रहा था तो हमने क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट थी वो उसमें से माइनस करके उसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया था जिसको हम बैलेंस डाउन कहते हैं जो फोर्टीन थाउजेंड निकला था कि बैंक में हमारे पास फोर्टीन थाउजेंड कैश पड़ा हुआ एट द एंड निशा आपका क्वेश्चन है कि अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की एक सीड कर जाए डेबिट से तो वो फिर डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा ठीक है फिर डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड पे बैलेंस आ जाता है और वो फिर आपका आ, उसका मतलब होता है कि आपने बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए जितने बैंक में डिपोजिट करवाने थे उससे भी ज्यादा निकलवा लिए हैं ठीक है अच्छा आप देखें आ, जो अब्बास नकवी हैं आप देखें आपने ना बैंक अकाउंट में ना डेबिट साइड जो है ना उसमें दो चीजें हैं आपको शायद ना वो शो नहीं हो रहा है कि पर जो डेबिट साइड है ना बैंक की वो सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है टोटल यानी कि आपके बैंक में पैसे इतने आए थे अक्टूबर में उसमें से दो पेमेंट माइनस हो रही है एक परचेजेज की है तो बैंक आपने चेक दिया था तो वो बैंक से पेमेंट चली गई एटीन की, 1800 की। एक वो माइनस होगी और एक आपकी माइनस होगी 1800 सॉरी 800 तो ये दो पेमेंट्स उसमें से माइनस हो रही है तो आपके पास जो बैलेंस आता है 14000 आता है आप एक एक अमाउंट माइनस कर रहे हैं 800 की ठीक है दो अमाउंट है एक 1800 है और एक 800 है दो अमाउंट है क्रेडिट साइड पे <laughs> आशा बुक जो है वो पीडीएफ में नहीं है ये जो बुक है ना उसमें से मैंने कैम स्कैनर के थ्रू ये बनाई होती हैं क्या नाम है इसका क्वेश्चन उसमें से कॉपी किए होते हैं जो आपको शो करके उसमें से सॉल्व करवा रहा होता हूँ ठीक है ये आप हार्ड फॉर्म में लें तो हार्ड फॉर्म में बेटर है ताकि आप उसके ऊपर लिखें आपको याद भी रहे और ये एक चीज याद रखिएगा कि आई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये इसमें करते हैं तो आप अपने नोट्स बनाते हैं आप अपने बुक पे हाईलाइट करते हैं ताकि पेपर में आपको जो चीज डिफिकल्ट लग रही है ना उसी में आपने फंस जाना है ठीक है तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है आपने उसको स्किप करना है उसको लर्न करना है और उसको हाईलाइट कर लेना कि ये चीज मेरी जो है ना बार बार मुझसे गलत हो रही है मुझे डिफिकल्ट लग रही है ताकि जब आप पेपर में जाए तो आप वही चीजें रिपीट करके जाए जो डिफिकल्ट है ठीक है तो आपको पता हो कि यार ये चीज मुझे नहीं आती। आ, दानियाल, लेजर फोलियो वगैरह मैं नहीं आपको करवा रहा क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है छोड़े उसको आप बाकी करें वो इतनी कंफ्यूजन में न डालें बच्चों को मास बैंक अकाउंट बना दिया है मैंने कई दफा भी का, काफी दफा समझा दिया दोबारा ना आपका क्वेश्चन मुझे लेट नजर आया अभी जहाजेब जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप ईयरली बेसिस पे बनाएं जैसे यहाँ पर हम मंथ के क्लोज कर रहे हैं तो मंथ के एंड पे हमने बैलेंसेज निकालने हैं तो हम अक्टूबर uh, के मंथ uh, पूरे के लेजर्स बना रहे हैं ठीक है लाजमी नहीं है कि साल के एंड पे ही आप बनाएं, ईयर एंड पे ही बनाएं Uh, सैयद मोहम्मद उस्मान गनी जो लेजर अकाउंट है इसको टी अकाउंट भी कहते हैं टी अकाउंट क्योंकि ये टी शेप में होता है इसलिए टी अकाउंट भी कहा जाता है कासम समझा गुड आपको समझ आ गई नहीं नहीं मोइज बैलेंस आपने माइनस में नहीं लिखना है ये नहीं करना जैसे आप देखें आपने कहा कि क्रेडिट साइड अगर ग्रेटर हो तो बैलेंस माइनस में लिखना है ऐसा नहीं करना मोइज मोइज अहमद जो कैपिटल है ना जैसे कैपिटल का अकाउंट बनाया तो उसमें क्रेडिट साइड ग्रेटर है देखें क्रेडिट साइड ट्वेंटी है तो डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम ट्वेंटी जीरो माइनस करेंगे तो ट्वेंटी हमारे पास बैलेंस आएगा जो डेबिट साइड पे आ रहा है हमारा बैलेंस डाउन तो आपने फिर ऑपोजिट साइड पे उसको बैलेंस निकालना है अब्दुलर रहमान शेख नॉर्मली जो एस कैश होता है ना कैश और बैंक अगर सेपरेट गिवन है ना तो आपने सेपरेट अकाउंट बनाना है अगर वो कंबाइंड गिवन है तो फिर एक अकाउंट भी बन सकता है ठीक है अगर इकट्ठा लिखा हो कैश एंड बैंक अकाउंट ठीक है लेकिन नॉर्मली नौ, ये सेपरेट एसेट होते हैं और सेपरेट ही लिखने चाहिए सैयद मोहम्मद उस्मान गनी के लेजर अकाउंट जो है ना वो डेफिनेटली जर्नल एंट्रीज पहले बनती हैं फिर लेजर बनता एक है एक सीक्वेंस है ठीक है लेकिन आप बात सुने जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी जब आपको लेजर्स बनाना आ जाएंगे डायरेक्टली जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें वो कहता है कि आप जैसे बैंक का लेजर बना दें बैंक का टी अकाउंट बना दें या लेजर अकाउंट बना दें या कैश का अकाउंट बना दें तो फिर आप बजाय इसके कि आप पहले जर्नल एंट्री करें फिर उसका लेजर बनाएं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन वो आगे जाके आपने करना है अभी आपने जर्नल एंट्रीज पहले बनानी है ताकि आपकी ग्रिप हो जाए इन पे क्योंकि अगर आपकी इनके इन पे ग्रिप है तो आपकी पूरी अकाउंटिंग आपकी ग्रिप में है अगर इन पे आपकी किसी की ग्रिप लूज है तो फिर अकाउंटिंग जो है ना वो आपकी ग्रिप उस पर लूज होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड सारे में ओके okay, आपको समझ आ गई वेरी गुड गजनफर अब्बास आपने कहा कि 16,600 कहां से आया बैंक अकाउंट में अगर आप बैंक अकाउंट देखें तो बैंक अकाउंट में आपने हमने डेबिट साइड ग्रेटर है ठीक है डेबिट साइड क्या है ग्रेटर है जब डेबिट साइड ग्रेटर है तो वो एक 16,000 अमाउंट है दूसरी 600 है तो टोटल 16,600 हो गया तो टोटल हमने दोनों साइड पे ये 16,600 ये लिखा हुआ है डेबिट साइड वाला मोहम्मद उमर बिन इमरान हाँ जी अब हमने सारे जितने भी ये कर लिए इन सब के टी अकाउंट्स आपने बनाने आप लोगों ने ठीक है तीन अकाउंट मैंने बनाया बाकी आप लोग अभी बनाएंगे आपकी असाइनमेंट है ये क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट थ्री की आप बनाएंगे ठीक है अब्दुलरहमान शेख अगर आ, आपका जो क्वेश्चन है कि 6500 कैश पड़ा हुआ है परचेजेस हमने ज्यादा कर ली हैं तो डेफिनेटली अगर आपने आ, आ, जो परचेज आप 6800 है तो बैंक बैलेंस <coughs> अच्छा उसमें यह है कि अगर आपने परचेजेस जो कैश सेपरेट आप ट्रीट करते हैं बैंक सेपरेट ट्रीट करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके बैंक में अगर सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पड़ा हुआ और आपने पेमेंट सेवनटीन थाउजेंड या एटीन थाउजेंड की कर दी है तो बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसमानी वही मैंने बताया कि माइनस में आपने नहीं लिखना आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना बैलेंस अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो जो साइड शॉर्ट होगी उसमें बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा जैसे कैपिटल का अकाउंट का आया है मोहम्मद मुकर्रम आपका जो क्वेश्चन है कि ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर को उन्होंने ये नहीं कहा कि वो क्रेडिट पे सेल हुई है हाँ ये देखें अगर आपको मैंने उस टाइम ये जब बताई थी ट्रांजैक्शन तब भी बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन में लिखा होता ना इस तरह के सोल्ड गुड्स टू जे ब्राउन ऑफ डॉलर थर्टी फोर हंड्रेड ऑन क्रेडिट तो फिर भी क्रेडिट पे थी अगर ऑन क्रेडिट का वर्ड नहीं यूज हुआ फिर भी क्रेडिट पे अगर कैश में होंगी ना तो वो लिख देगा सोल्ड गुड्स टू जे ब्राउन ऑन कैश या बाय चेक अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक ठीक है तो वो अमाउंट बता देगा अदरवाइज वो क्रेडिट पे ही होती है <laughs> ये yeah. आयशा आप एक आपने अरेबिक में मैसेज किया है चाइनीज में किया है तो मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आई तो आप उस लैंग्वेज में बात करें जो हमें समझ आती है <coughs> सैयद वजी अब्बास जो है कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस में ऑनर ने, ने इन्वेस्टमेंट की है उसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसका टी अकाउंट बना रहे हैं उसका बैलेंस निकालना है एंड <coughs> वे मैंने ये बताया था रिमशा के जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड पे आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है ठीक है अच्छा देखें अभी हमने ये सारी चीजें कर ली नॉर्मली अभी एक जैसे ही क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन जितने हैं तो इसमें देखें अभी आपने क्या करना है मैं आपको ये एक होमवर्क दे के जा रहा हूं जो आपने होमवर्क uh, करना है ठीक है अब वो होमवर्क में आपने क्या करना है ये जो ट्रांजेक्शन जो हमने आपने, आपने ये आपकी असाइनमेंट है या होमवर्क है ठीक है ये होमवर्क क्या है आपका कि आपने हमारे पास ना जो ये ट्रांजैक्शन है ना सॉरी क्वेश्चन 3.3 इसकी बाकी अकाउंट्स बनाने हैं जैसे परचेज का अकाउंट है वो आप बनाएंगे फिर मशीनरी का अकाउंट है ये आपने बाकी अकाउंट्स आपने बनाने लेजर अकाउंट्स ठीक है और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं ठीक है ये आपकी असाइनमेंट है ठीक है असाइनमेंट क्या आपकी रिमेनिंग Ledgers of 3.3 ठीक है आपने इसके रिमेनिंग लेजर्स बनाने हैं सारे ठीक है चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हों कोई मसला नहीं है लेकिन आपने ये बनाने हैं ठीक है तो आ, सब के, तब तक के लिए अभी आ, आ, कल हमारी क्लास होगी ठीक है फिर जो फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी वो अब मैं उसमें डिस्कस करूंगा लेकिन आज की असाइनमेंट आपकी रिमेनिंग अकाउंट्स आपने बनाने हैं थ्री पॉइंट थ्री के ओके तो इनशाला कल मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज <coughs>